हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाते रहता हूं और आपकी जो रियल लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर भी मैं वीडियो बनाता हूं। कल मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रोध और दुख कैसे हमारे जीवन की मेन जो लक्ष्य होता है उससे हमें भ्रमित कर देते हैं या दूर कर देते हैं और हम भटक जाते हैं। यानी कि आप यदि क्रोध में हैं और दुख में हैं तो अपनी जो वर्तमान की परिस्थिति है उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके पास असफलता आ जाती है। यदि आप अपने क्रोध और दुख का यूज करना सीख गए, उन पर अपने ऊपर हावी होने से उन्हें बच गए, तो आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी आपके जीवन में रियल प्रॉब्लम चल रही है, उन पर आप फोकस कर पाते हैं और उन्हें से पार पा पाते हैं। तो आज भी ऐसे ही मैं वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। कल के वीडियो पर भी काफी कमेंट्स आए थे पॉजिटिव और बहुत से लोगों ने अपनी समस्याएं शेयर की थी और मेरे और वीडियो भी हैं उसी टॉपिक को लेकर, तो उस पर भी काफी समस्याएं लोगों ने शेयर की है। उनमें से एक मैं लेकर आया हूं और आपके सामने वो मैं शेयर करूंगा आज दोस्तों। तो आपको कमेंट पढ़ के सुना देता हूं। सर, लाइफ में परेशानियां कम होती ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, क्या कोई उपाय है कि हमारी लाइफ में परेशानियां आए नहीं। यानी कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं दोस्तों? प्रॉब्लम्स होती हैं अपॉर्चुनिटी दोस्तों। यदि प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, और अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो आप सफलता कैसे हासिल करोगे। हर एक प्रॉब्लम्स आपको बेटर बनाती है, बेटर इंसान बनाती है। मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि आप बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मान लो कि आपको एक जॉब चाहिए गवर्नमेंट, और वो वैकेंसी निकलती है दोस्तों, तो ये वैकेंसी निकलना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वैकेंसी निकलना एक प्रॉब्लम्स है आपके सामने। क्या प्रॉब्लम्स है? कि आपको अब उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस लेवल पे अपने आप को लाना पड़ेगा जिससे वो एग्जाम आप क्रैक कर सकें। बहुत सारे फॉर्म फिल हुए हैं, उनमें आप बेस्ट कर सकें और वो सीट प्राप्त कर सकें। यानी थी वो प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें छुपी थी अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी ने आपको प्रेरित किया मेहनत करने के लिए। आपने उससे अकॉर्डिंग बुक्स ली, आपने पूरी मेहनत लगन के साथ पढ़ाई की और वो एग्जाम को देने गए। मींस आपका नॉलेज बढ़ गया है, आप बेटर पर्सन बन गए उस प्रॉब्लम की वजह से, उस जॉब की वजह से, और आपने उसे क्रैक किया और आपको वो जॉब मिल गई। इसमें प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी। यानी कि प्रत्येक प्रॉब्लम्स में उसका सलूशन होता है, उसका समाधान होता है। हर एक प्रॉब्लम्स में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है यदि हम उसे ठीक से जान पाए, ठीक से पकड़ पाए दोस्तों। ठीक है, तो अपनी लाइफ में हम ये सोचें कि प्रॉब्लम्स रहे ही नहीं, तो समझो कि लाइफ में आप कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। वो प्रॉब्लम्स ही है जो आपको उन्नति करने के लिए प्रेरित करती है। यदि मान लो किसी को भूख लगती ही नहीं तो क्या वो खाने के लिए प्रयास करता? किसी के लिए नींद आती ही नहीं तो क्या वो सोने के लिए प्रयास करता? किसी के लिए मनी की जरूरत नहीं होती तो क्या वो जॉब ढूंढने की प्रयास करता? ये प्रयास ही हैं जो आपकी जिंदगी बेटर बनाते हैं, जो आपको एक बेटर लाइफ की ओर प्रेरित करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके जितने भी आइडल हैं, जिन्हें आप मानते हो कि उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर किया है, हमें ऐसा बनना है, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि पूरा इतिहास उन्होंने रच दिया। यानी कि उन्हें सब फॉलो करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी जीवन भी आप देखोगे तो उन्होंने अपने जीवन काल में 5 उपलब्धि हासिल की होंगी, 10 की होंगी, 15 की होंगी, ठीक है, हम 15 लेके चलते हैं। 15 उपलब्धि उनकी वो थी जिन्हें उन्होंने नाम दिलाया, उन्हें सम्मान दिलाया और मनी दिलाया। ये 3 चीजें उनको मिल गईं उस 15 उपलब्धियों से। लेकिन उनकी लाइफ को यदि आप देखोगे तो इतने अनगिनत असफलताएं मिली होंगी, इतनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी कि उन्हें उन्होंने पार नहीं पा पाया, उनमें वो फंसे रहे, उनसे अपने आप को बेटर बनाते रहे, तब जाकर ये 15 उन्नति उन्हें मिली, यानी 15 सफलता उन्हें मिली, उनकी लाइफ में उन्नति हुई। यदि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, जिनमें वो उलझते नहीं, उनमें उलझकर वो अपनी लाइफ को बेटर नहीं बनाते और इन अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं करते जो कि उनके सामने आने वाली थी, तो क्या वो पा पाते जो वो पाना चाहते थे? क्या उनका इतना नाम होता, इतना सम्मान होता? आप किसी भी इंसान के जीवन को उठाकर देख लें जिन्हें आप मानते हो कि उन्होंने लाइफ में बहुत बेटर किया है, समाज में बहुत सम्मान कमाया है, रुपए कमाए हैं, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें कहाँ से मिली? प्रॉब्लम से मिली, और उन्हें पाने के लिए उन्होंने मेहनत की। मेहनत में भी वो काफ़ी असफलता हुई और इतने असफल हुए कि 15 जो उन्हें सफलताएं मिली है ना, उनकी असफलताओं के सामने कहीं भी नहीं टिकती। यानी कि आप उनकी असफलताओं की यदि गिनती करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपको संख्याएं
ढूंढने में मुश्किल पड़ जाए कि यार बंदे ने 15 उपलब्धि हासिल तो की है, लेकिन ये तो 500 बार असफल हुआ है, 1000 बार असफल हुआ है, उसके बाद इसने 15 उपलब्धि हासिल की है। मींस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप यदि 1000 बार भी असफल हो रहे हो, अपनी परिस्थितियों घिरे हुए हो, तब भी आपने वो चीज नहीं छोड़ी है कि नहीं हम अपने आप को बेटर बनाएंगे और एक दिन वहां पहुंचेंगे जहां पर लोग कहेंगे कि इस इंसान ने इतनी परिस्थितियां झेली हैं, इतनी इसने कठिन दौर से गुजरा है, लेकिन फिर भी इसने एम हासिल किया और आप बनोगे दूसरे के लिए मिसाल दोस्तों। तो ये है दोस्तों, तो आप ये सोच रहे हो कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होना है दोस्तों। लाइफ का दूसरा नाम बहुत से लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स ही है, और प्रॉब्लम्स जब आती हैं, जब आपको बेटर बनाती हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं दोस्तों, ये अपने आप में फैक्ट है। आप सोच रहे हो कि हम यदि टीचर बन जाए, जैसे कि मेरे इस वीडियो से अधिकतर वो लोग जुड़े हैं जो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम गवर्नमेंट टीचर में आ गए तो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हम मनी के रूप में सिक्योर हो जाएंगे, यानी कि मनी की कमी नहीं रहेगी हमारे पास, और एक जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और यदि हम फिर लाइफ सुकून से जिएंगे, ये आपकी चल रही हुई, अपने आप में बिल्कुल सच है कि आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये अपने आप में गलत है दोस्तों। आप देखो, आज आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, वहाँ के प्राचार्य से मिलो, हेडमास्टर से मिलो, और भी वहाँ कर्मचारी हैं जो कि इस पोजीशन पर हैं जिस पर आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, उनसे पूछना कभी जाके कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हुई क्या। आज ही वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए होंगे जो उनकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स होगी, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, उनके सामने भी वो अपॉर्चुनिटी बन के आई होंगी, वो अपने आप को आज भी बेटर बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा उनकी लाइफ में जिनकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। हमें लाइफ बेटर बनाते जाना है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, और उन प्रॉब्लम्स को आप कब फेस कर सकते हो, कब उनसे पार पा सकते हो, जब प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना मानकर आप उसे अपॉर्चुनिटी मानोगे, यानी कि एक आपके सामने संभावना आई है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है। हम अपॉर्चुनिटी को क्या मान लेते हैं, प्रॉब्लम्स मान लेते हैं, जैसे कोई जॉब निकली तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स हो गई, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। यदि आप उसको प्रॉब्लम्स मान रहे हो तो आप उससे पार नहीं पा सकते, और यदि आप उसे अपॉर्चुनिटी मान रहे हो तो आप अपने आप को बेटर बनाओगे, उस एग्जाम के काबिल बनोगे, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उसे बढ़ा लोगे, और उस एग्जाम को देते देते आप एक दिन उसे क्रैक कर लोगे और वो अपॉर्चुनिटी और वो जॉब आप हासिल कर लोगे, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें 5-6 साल लगते हैं, असफल भी होते हैं, बहुत बार डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, वो उसी में से अपना मार्ग तलाश लेते हैं। 10 लाख फॉर्म फिल होते हैं, 1000 वैकेंसी निकलती है, फिर भी वो उम्मीद पर कायम रहते हैं कि हम 1000 में से एक व्यक्ति जरूर वो बनेंगे जो कि सिविल सेवा में वो सीट पर पहुंचेंगे। 4-5 साल फेल भी होते रहते हैं, बहुत लंबा समय होता है, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, 10-10 घंटे भिड़े रहते हैं, उसके बाद भी असफल होते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो सफल होते हैं। लोग भूल जाते हैं उनकी 5 साल की मेहनत को, कि 5 साल बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, सिर्फ ये कहते हैं कि बंदा खुशकिस्मत था, IAS बन चुका है, उस पोस्ट पर पहुंच चुका है और आज उसकी जीवन बेटर है। प्रॉब्लम्स हल नहीं होती हैं, आपकी जॉब होती है जो IAS की, उनकी अपने लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य तो हासिल किया, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उस अनुभव से वो उसे भी हल करते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होगी जिनसे आप घिरे हुए होंगे, तो वहां पर दुख में नहीं जाना है, क्रोध में नहीं जाना है, एक्चुअल उस प्रॉब्लम्स को समझना है और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है उसे जानना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को बेटर बनाना है और उससे हमें लाभ लेना है। हर एक प्रॉब्लम से हमें खुद को बेटर बनाकर लाभ लेना है। जैसे कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स है कि वो साइकिल नहीं चला पाते, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कुछ दिनों में वो साइकिल को प्रैक्टिस कर उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, अब साइकिल उनकी स्ट्रेंथ है, कहीं भी जाना है साइकिल उठाते हैं चले जाते हैं। इसके बाद उनके मन में आता है कि भाई स्कूटी चलाना चाहिए, हमें बाइक चलाना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स है अभी, लेकिन वो जब प्रैक्टिस करते हैं
हैं तो एक दिन बाइक चलाना सीख जाते हैं, स्कूटी चलाना सीख जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो अब सलूशन बन चुकी है और उनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है, अब स्कूटी से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये होती है, हर एक प्रॉब्लम्स में सलूशन छपा हुआ है, यदि आप देख सको और अपने आप को बेटर बना सको और उस प्रॉब्लम्स को खत्म करके उसकी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सको तो डेफिनेटली आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी और हर एक वो चीज आप प्राप्त कर सकते हो जो आप सोचते हो। सिर्फ ये है कि हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना मानकर उसे अपॉर्चुनिटी माने और उससे अपने आप को बेटर बना दें और इस लाइफ में वो प्राप्त करें जो कि हम करना चाहते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो को आप मोटिव समझ पाए होंगे दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपके जीवन में कोई जुड़ी यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।